नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां लोकसभा चुनाव से पूर्व सांसद घोसी अतुल राय ने ट्रेन दुर्घटना में अपने दोनों पैर गवा चुके अभिषेक पांडे से वादा किया था कि जब तक जीवित रहूंगा ताउम्र दवा का खर्च उठाता रहूंगा। एक वर्ष पहले उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। आज उसी कड़ी में सांसद घोसी अतुल राय के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि गोपाल राय ने अभिषेक पांडव के गांव परसपुरा पहुंचकर उनको इस वर्ष के लिए दवा का सहयोग राशि प्रदान किया और यह भी कहा कि जब अभिषेक पांडे का पैर कृत्रिम पैर लगाने योग्य हो जाएगा तो उनको देश के बड़े चिकित्सकीय संस्थान में ले जाकर कृत्रिम पैर लगवाया जाएगा। यह सांसद जी का दिशा निर्देश है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं सांसद ने फिर अपना वादा निभाया है और अतुल राय लगातार गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। वहीं अपने घोसी लोकसभा के लोगों के लिए जो वादा कर रहे हैं उसे भी निभाते हुए आ रहे हैं। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो रिपोर्ट। आज क्या हुआ? आज हमारे माननीय सांसद घोसी सांसद अतुल राय भैया जी के प्रतिनिधि गोपाल राय, विनीत राय, सोनू राय भैया जी और उनके जितने भी सदस्यगण और भाई हैं वो लोग आए थे और हमसे मिले और हमारी तकलीफों को सदैव साझा करते हैं। आ ये पहली बार नहीं है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाएगा और अच्छे से अच्छा पैर लगवाया जाएगा जिससे मैं अपने पैरों पर चल सकूंगा और आगे बढ़ सकूंगा। धन्यवाद। सांसद घोसी अतुल राय जी के निर्देश पे अभिषेक पांडे जी के आए थे। विगत चुनाव में सांसद जी जब सदर हॉस्पिटल में अभिषेक पांडे जी को देखने गए थे तो उन्होंने वादा किया था कि अभिषेक जी मैं आजीवन आपका दवा का खर्चा उठाऊंगा। उसी सिलसिले में माननीय सांसद जी का दिशा निर्देश हुआ कि एक साल का हमने दिया था वो साल ख़त्म हो गया, अब अगले साल के लिए आप जाइए और जो हमने वादा किया है उसको तत्काल जाकर पूरा कीजिए। हम यहाँ आए थे अभिषेक पांडे के यहाँ, उनको जो सहयोग राशि माननीय सांसद जी की तरफ से दवा के रूप में देनी थी मैंने वो सहयोग राशि दी और उनके पैर की स्थिति को हम लोगों ने देखा। अभी इसकी इस स्टेज पे नहीं है कि उन्हें कृत्रिम पैर लगाया जाए, जल्द ही जब उस स्टेज पे आ जाएंगे तो भारत के उच्च संस्थानों में ले जाकर सांसद जी के दिशा निर्देश में उनको कृत्रिम पैर लगवाने का काम किया जाएगा। जी आजीवन आपने जी, ये माने सांसद जी ने आजीवन के लिए वादा किया कि जब तक मैं जीवित रहूँगा अभिषेक आपकी मदद मैं दवा के रूप में करता रहूँगा। उसी सिलसिले में हम लोग आकर के लिए गए।